आई होप यू ऑल विल बी फाइन एज यू नो दैट इन the वीडियो वी हैव डन वट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एन अगर आपको याद होगा मैंने उस दिन समझाया था कि अगर आपके पास एस थ्री है ओके okay, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे आई मीन परमिटेशन उनका ऑर्डर क्या हो सकता है मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इस थ्री को आप पार्टीशन कीजिए मतलब थ्री का एक थ्री ही निकलेगा या हम टू प्लस भी, भी लिख सकते हैं इसको इसको या हम 1 पलस, 1 पलस भी लिख सकते हैं इसको, और फिर इनका एलसीएम निकालिए मतलब यहां पर एलसीएम आप निकालिए थ्री का तो थ्री ही एलसीएम होगा इसका एलसीएम होगा टू एंड वन का एलसीएम होगा टू एंड वन का एलसीएम होगा वन इसका मतलब है कि एस थ्री जो है इसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा वो वन होगा टू होगा और थ्री होगा अगर आपको निकालना होगा वट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एस फोर तो आप क्या करेंगे इस फोर के आप पार्टीशन निकालिए मतलब फोर को मैं फोर ही लिख सकता हूं ओके okay, फिर इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं थ्री प्लस वन या मैं टू प्लस टू लिख सकता हूं या मैं टू और वन और वन लिख सकता हूं या मैं वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन लिख सकता हूं तो अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि वट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एस फोर तो आप एलसीएम निकालिए फोर का तो फोर ही होगा इसका थ्री होगा इसका टू होगा इनका टू होगा और इनका वन होगा तो आपके लिए आंसर जो होगा द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एस फोर वो होगा वन टू थ्री एंड फोर नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फोर इन एस फोर हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन एस फोर हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस फोर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन इन एस फोर और एस फाइव और एस सिक्स इन द सेम वे एस एन तो उसके लिए आज हम फॉर्मूला यहां पर आपको दिखाएंगे तो आप फिर फिर आपको चाहे एस एड भी दिया गया होगा उसको भी आप यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो सिंपल है देखिए अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर सपोज थ्री आपसे पूछा जाए इन एस थ्री कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर थ्री होगा इन एस थ्री तो आप क्या करेंगे सिंपल जो फार्मूला है थ्री का जो पार्टीशन तो वो एक ही होगा ना मतलब ये वाला पार्टीशन तो आप फार्मूला में लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल तो थ्री फैक्टोरियल पर आ जाएगा डिवाइडेड थ्री तो यहां पर है 3. इसका पावर क्या है वन इस वन का फैक्टोरियल इंटू तो क्या आ जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री और थ्री कैंसल तो टू आ जाएगा आंसर इसका मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन एस थ्री वो टू है अगर आपको याद होगा एस थ्री में कितने एलिमेंट्स है थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स तो आइडेंटिटी होता है वन टू होता है वन थ्री होता है टू थ्री होता है वन टू थ्री और वन थ्री टू इसको मैंने अगर आपको याद होगा डिटेल में पढ़ाया है एस एन को आप उसमें जाइए प्ले लिस्ट में वहां पर एक फोल्डर निकलेगा ग्रुप वहां पर परमिटेशन ग्रुप पूरे डिटेल में पढ़ा है तो इसका ऑर्डर थ्री है इसका भी ऑर्डर थ्री है एक और दो एलिमेंट है जिनका ऑर्डर है थ्री अब अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू आप देखना ये फॉर्मूला कितनी हेल्पफुल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस थ्री तो क्या करेंगे थ्री फैक्टोरियल तो यहां पर लिखना ही लिखना है डिवाइडेड बाई अब टू का जो पार्टीशन है वो ये है इसी का एलसीएम है ना तो टू कितनी बार आया है वन इंटू वन फैक्टोरियल तो आंसर निकलेगा थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाय टू तो आंसर आ जाएगा थ्री मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस थ्री वो है थ्री टू ऑर्डर टू ऑर्डर टू ऑर्डर ओके अब आप यहां पर आ जाइए थ्री का तो बहुत ही आसान है <coughs> इसका आप निकाल सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन तो हमेशा एक ही निकलेगा बिकॉज आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है वन यहां पर मैं चेक भी कर सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन इन एस थ्री फार्मूला है थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन कितनी बार आया है थ्री बार इनटू थ्री फैक्टोरियल इनटू पावर ओके तो थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल के वन आ जाएगा इन इस, इसका आंसर दैट इज आइडेंटिटी उसी का होता है वन ऑर्डर अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पर आप आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है देखिए एस फोर में कितने एलिमेंट्स होते हैं ट्वेंटी फोर उन ट्वेंटी फोर एलिमेंट एलिमेंट्स को याद रखना फिर उनका ऑर्डर याद रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस फोर तो क्या आप करेंगे बहुत ही आसान है फोर फैक्टोरियल यहां पर लिखना है अब देखिए टू ऑर्डर का एलिमेंट टू ऑर्डर का एलिमेंट मतलब दो बार आते हैं इसमें पार्टीशन तो यहां पहले इसको लिखा पहले इसको हम यहां पर राइट करेंगे फिर इसको यहां पर लिखते हैं अब देखिए यहां पर टू कितनी बार आया है दो बार टू टाइम टू इंटू दिस फैक्टोरियल मतलब टू फैक्टोरियल ओके प्लस फिर फोर फैक्टोरियल बिकॉज अब हम ये वाला पार्ट से निकालना है डिवाइडेड बाय टू कितनी बार आया है एक बार इंटू वन कितनी बार आया है दो बार इंटू डिस फैक्टोरियल मतलब वन फैक्टोरियल इंटू दिस फैक्टोरियल मतलब टू फैक्टोरियल अब आप इसको सोलो कीजिए यहां फोर इंटू थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई टू टू जार फोर इंटू टू प्लस फोर इंटू थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई टू इन वन इंटू टू टू और टू फोर फोर टू जार एट तो आंसर आ जाएगा थ्री प्लस सिक्स हो गया चो तो नाइन एलिमेंट्स है इसमें जिनका ऑर्डर टू है ओके okay? और इन नाइन में से अगर आपको याद होगा सिक्स है साइकल्स, सिक्स है साइकल्स, वन बाय आर एन पी आर अगर आपको याद होगा उस एस एन को निकालिए जब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकल्स ऑफ लेंथ आर इन एस एन वन बाय आर एन पी आर जो ये नाइन परमिटेशन है इनमें से है सिक्स साइकिल और थ्री है जस्ट परमिटेशन दो आर नॉट साइकल्स। याद होगा तो वन टू होगा वन टू थ्री फोर एक परमिटेशन वन थ्री टू फोर एक और परमिटेशन वन फोर टू थ्री एक और परमिटेशन दीज आर नॉट साइकल्स, दीज आर डिस परमिटेशन ओके okay, और सिक्स है साइकल्स तो टोटल जो है नाइन एलिमेंट्स नाइन परमिटेशन ऑफ ऑर्डर टू इन एस फोर ओके अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री बिकॉज थ्री ऑर्डर के एलिमेंट्स भी होंगे एस फोर में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर थ्री इन एस फोर तो क्या आप करेंगे फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब देखिए यही एक पार्टीशन है जिसमें थ्री आता है एलसीएम तो थ्री की पावर वन बिकॉज एक ही बार आया है इनटू वन की पावर वन बिकॉज एक ही बार आया है इंटू पावर की फैक्टोरियल ले लीजिए इंटू वन इंटू वन तो ये होगा फोर इंटू थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री बाकी का वन थ्री और थ्री कैंसल तो एट होंगे इसमें थ्री ऑर्डर के एलिमेंट्स और नाइन होंगे टू ऑर्डर के हो गए सेवनटीन और एक का ऑर्डर होगा वन मतलब जो एस फोर है उसमें एक एलिमेंट होगा आई मीन आइडेंटिटी उसका ऑर्डर हो गया वन हो गए टोटल नाइन प्लस एट प्लस वन हो गए सेवनटीन सॉरी हो गए एटीन अब अब आप निकालिए फोर ऑर्डर के एलिमेंट्स वो होंगे सिक्स तो कैसे होंगे फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे देखिए अब क्या क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फोर इन एस फोर तो क्या आ जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर तो एक ही बार आया है इंटू वन फैक्टोरियल तो इसका आंसर होगा फोर इंटू थ्री तो सिक्स तो टोटल हो गई ट्वेंटी फोर एलिमेंट वही होता है ऑर्डर ऑफ एस फोर आई होप कि आपने इस टॉपिक को पूरी तरह समझ लिया है अगर अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फाइव इन एस फाइव तो कुछ नहीं करना है फाइव के पार्टिशन निकालने हैं और फिर उनका एलसीएम निकालना है तो जितनी बार होगा उतनी बार ये वाली फार्मूला आपको वहां पर लगानी है, ओके आई होप कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा तो मिलेंगे कल तब तक अल्लाह हाफिज